हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 टाटा सफारी फेसलिफ्ट। टाटा सफारी फेसलिफ्ट 2023 का प्राइस 16.19 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और जाता है 27.34 लाख रुपए तक। इस कार के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड। एंड इन फोर वेरिएंट्स के अंदर ना आपको बेसिकली और सब वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं। जैसे आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास इसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट, एडवेंचर प्लस के अलावा एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन भी आ जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करने वाले इसके एडवेंचर प्लस वेरिएंट की। 23.89 लाख रुपीस इसका एक शोरूम प्राइस है एंड ये डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं। बाकी अब क्या कुछ इस कार में यहाँ पर ऑफर किया जाता है उसकी बात ना आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में करने वाले हैं। जरूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले अगर इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, काफी ज्यादा बढ़िया आपको यहाँ पे बोल्ड ओवरऑल फ्रंट लुक इस कार का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा का लोगो कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। फ्रंट व्हील काफी अच्छे डिजाइन में आपको यहाँ पर इसमें ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको इस कार के अंदर फ्रंट पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है और साथ ही साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आ रहे हैं इस कार में। प्रॉपर 360 कैमरा आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाता है। LED DRL आप यहां पर देख सकते हो इस कार की, काफी ज्यादा प्यारी आपको ऑफर की जाती है। आप देख सकते हो पूरी स्ट्रिप आपको मिलती है, कनेक्टेड DRL आपको यहां पर इसमें दी गई है। यहां पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि ड्यूल फंक्शन एज अ DRL भी वर्क करते हैं। बाकी नीचे आपको यहां पर इसमें हेडलैम्प यूनिट मिल जाएगा एंड ये है सिंगल प्रोजेक्टर, लो बीम हाई बीम दोनों का ये वर्क करेगा। एंड फिर आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं ड्यूल प्रोजेक्टर में एंड ये एज अ कॉर्नरिंग लैम्प भी वर्क करती हैं इस कार के अंदर। बाकी ओवरऑल वाइट कलर आपको यहाँ पर टाटा सफारी फेसलिफ्ट का कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बहुत ज़्यादा बड़ी ह्यूज सी कार लगती है। साइड में बढ़ते हैं अब इस कार के अंदर, देखते हैं कि साइड में क्या कुछ इस कार में ऑफर किया जाता है। तो ये साइड में आती है आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिजाइन के अंदर अलॉय व्हील्स जो कि आपको यहाँ पर इसमें सिल्वर एंड ग्रे कलर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ब्रिजस्टोन ब्रांड के यहाँ पर इसमें टायर्स हैं, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। 235/60R18 टायर प्रोफाइल आपको मिल जाती है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपके यहाँ पर इस कार में ऑफर की जा रही है। इसके ओवरवियम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में इसके ओवरवियम्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर की आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक कैमरा भी मिल जाता है प्रॉपर 360 साइड व्यू के लिए। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दी गई है सफारी की बैजिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स आएंगे इसके अंदर, क्रोम डोर हैंडल्स आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक आप यहाँ पर इस कार का कंप्लीट देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रही है कार। एंड ये पिलर्स वगैरह ना आपको यहाँ पर इस पर पूरे ग्लॉसी ब्लैक कलर में ही ऑफर किए जा रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है। फुल बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पर इस कार में देखने को मिल जाती है एंड पहले से इस कार की हाइट भी थोड़ी सी ना बढ़ा दी गई है। रूफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें रूफ रेल्स मिल जाएंगी और ऊपर आपको यहाँ पर इसमें पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है जिसकी की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा वाइड है। पीछे शार्क फिन एंटीना आ जाएगा यहाँ पर इस कार के अंदर, ये आप देख सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कार के बैक प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रियर में आती देखने को मिलेगा इसका एक स्पॉइलर, यहाँ पर आपको इसमें दी गई है इसकी ब्रेक लाइट, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आपके यहाँ पर इसमें ऑफर किया जाता है। और अगर आप कोई सी भी टाटा की कार बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं PMG टाटा मोहाली में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पर इनकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको इसमें फ्रंट DRL की तरह ही पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल जाती है जो कि ना इसमें काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। सेंटर में यहाँ पर इसमें टाटा का लोगो, इसके नीचे बिल्कुल आपको मिल जाएगा रिवर्स पार्किंग कैमरा। सफारी के आपके यहाँ पर इसमें ऐसी कुछ इसमें बैचिंग देखने को मिल जाएगी, दो ही पार्किंग सेंसर्स आएंगे इस कार के अंदर। बाकी इस साइड से भी आप यहाँ पर एक बार टेल लैम्प्स का डिजाइन देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। एंड ओवरऑल कार का साइड प्रोफाइल का लुक कुछ ऐसा रहने वाला है। कार के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ अंदर इस कार में ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका डोर पैड देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। थ्री कलर टोन्स के अंदर आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाएगा, ब्लैक कलर का यूज किया गया है, टैन कलर आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ बेज कलर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर इसमें पूरी लेदर फिनिशिंग आपको मिल जाएगी, काफ़ी प्रीमियम से आपको यहाँ डोर हैंडल मिलता है। नीचे बॉटल होल्डर है, यहाँ पर एक लाइट है, बाकी वहाँ पर स्पीकर आपको मिल जाएगा। ओवरवियम्स आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। डोर ओपनिंग की बात करें 90 डिग्री एंगल तक लगभग ये डोर ओपन हो जाता है, एंटर एग्जिट करने में आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट जिसकी कि ना आप यहाँ पर हाइट भी एडजस्ट कर पाएंगे। एंड ओवरऑल कैबिन लेआउट तो यहाँ पर आप कंप्लीट इस कार का देख ही सकते हैं। बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये है जियो का OBD स्कैनर एंड ये
वर्क करता है एक व्हीकल ट्रैकर की तरह, जो कि ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके ना आपको सभी फीचर्स वगैरह आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखो, जैसे कि कनेक्टेड कार टेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, हर एक कार के अंदर, मॉडर्न कार के अंदर आपको कनेक्टेड फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। हमारी स्कॉर्पियन के अंदर भी है, बट उन लोगों का क्या है जिनके पास छोटी कार है, या फिर उनका क्या जिनका एक्सपायर हो चुका है सब्सक्रिप्शन। तो आज हम बात करेंगे इस OBD स्कैनर के बारे में, जिसका कि बेसिकली नाम है जियो मोटिव। ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है जो कि आप बहुत ईजिली प्लग कर सकते हैं अपने व्हीकल के OBD के अंदर एंड यूज कर सकते हैं। इसके अगर हम फीचर्स की डिटेल में बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर रियल लाइफ ट्रैकिंग मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जियो फेंसिंग का फीचर आपके यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगा। इन बिल्ट यहाँ पर आपको इसके अंदर पोर्टेबल वाईफाई मिल जाता है, मतलब पर्सनल हॉटस्पॉट आप इसका ऑन करो, आपकी कार के अंदर स्क्रीन है, आपका फोन है, सबके अंदर इंटरनेट चलेगा इसकी मदद से। ई सिम टेक्नोलॉजी आती है इसके अंदर, आपको अपने जियो सिम से जो आप अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हो उसको बस इससे सिंपली कनेक्ट करना है। जियो थिंग्स नाम की एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, उसके अंदर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर एंटी थेफ्ट फीचर है, कोई अगर इसको निकालने की ट्राई करें तो भी आपको अलर्ट मिलेगा इसका आपके फोन के ऊपर। व्हीकल की हेल्थ ये मॉनिटर करता रहेगा 24/7, आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कार स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन आएगा, कार बंद होगी नोटिफिकेशन आएगा। लाइफ ट्रैकिंग तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें इंजन की हेल्थ भी ना ये मॉनिटर करता रहता है। ये जो प्रोडक्ट है ना ये आपको कॉस्ट करने वाला है 5,000 रुपीज, ठीक है। एक बार ही आपको लेना है, एक साल की आपको सब्सक्रिप्शन साथ मिल जाएगी। उसके बाद ईयरली अगर रिचार्ज की बात करें तो इसका ईयरली रिचार्ज पैक है सिर्फ 600 रुपीज़ का। बाकी अगर हम व्हीकल ट्रैकर्स की बात करें तो अराउंड 2,000 रुपीज़ आपको उसके अंदर ईयरली सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल, जैसे महिंद्रा के अंदर कनेक्टेड फीचर्स आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन है 5,000 रुपीज़ की, 4,999 पर ईयर। इसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ पे करना है 600, तो ऑब्वियसली इसको ही दोबारा रिचार्ज करवाऊंगा ना। मेरे को तो बस भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट ये लगा, आपको कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी तो गाइस मैं आ चुका हूँ कार के अंदर एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस कार की यहाँ पर कीज, तो यहाँ पर आपको बाकी की सभी कार्स की तरह यहाँ पर सेम कीज ऑफर की जाती है, जो कि आप देख सकते हो लॉक अनलॉक टेलगेट ओपन और साथ ही साथ हेडलाइट को ऑन करने का ऑप्शन साथ आती है। पीछे आपको यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाएगा, दो स्मार्ट कीज आपको यहाँ पर इसमें ऑफर की जाती है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है इस साइड पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, दो बार प्रेस करने पर आपकी कार का इग्निशन ऑन हो जाएगा। एंड ऑन होते ही ऐसा कुछ यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, फुली डिजिटल ये दिया जा रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया ये लग रहा है। एंड फ्यूल लेवल इज लो, टॉप एंड वेरिएंट से आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, कुछ फीचर्स इसमें कम है, बट ओवरऑल जो स्क्रीन है ना आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी इसमें दी जा रही है। बाकी आप अंदर देख सकते हो क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड और एप्पल का एप्ले की भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। बाकी ट्रिप मीटर्स वगैरह हैं एंड बेसिक व्हीकल इन्फो वगैरह आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह का रहने वाले वाले वेरियंट के अंदर, यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। डी कट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है, टाटा का लोगो यहाँ पर इसमें सेंटर में ग्लो करा, काफी ज्यादा बढ़िया ये पैड लगता है ओवरऑल। एंड यहाँ पर आपको इसमें सभी के सभी MID स्क्रीन के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। इस साइड पर आपको मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर इसमें पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पीछे की तरफ, आप देख सकते हो। बाकी ऑटो हेडलैम्प्स आएंगे इस कार के अंदर, और यहाँ पर आपको वाइपर के लिए टॉगल मिल जाता है। एडजस्टमेंट की अगर आप बात की जाए तो यहाँ पर आप स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको साइड पे एक AC वेंट मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। नीचे लेदर पैडिंग है एंड एम्बिएंट लाइट आपको मिल जाती है, यहाँ पर हार्ड मटेरियल आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको ऊपर से रूह से सॉफ्ट टच मटेरियल इसमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा काइंड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल है, ये प्रॉपर हार्ड है। एंड यहाँ पर अगेन लेदर फिनिशिंग वगैरह आपको मिल जाती है। डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। 10 इंचेस की यहाँ पर इसमें स्क्रीन आएंगे वाले वेरिएंट के अंदर, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको यहाँ पर भी इसके अंदर वायरलेस मिल जाते हैं। बाकी इंटरफेस आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है कम्प्लीट, एंड ये सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। AQI भी आप बाहर के चेक कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कि कहते हैं। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल को भी आप यहीं से इसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी नीचे भी आपको डेडिकेटेड स्विचेस इसमें दिए गए AC के लिए। एंड ये कार अभी पूरी प्लास्टिक रैप्ड है, यहाँ पर नहीं आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक एंड सिल्वर देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपको उतार के मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ही आपको मिलने वाला है। बाकी वापस लगा देते हैं इसको, नई गाड़ी है। और ये वाली स्क्रीन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी, टॉप एंड के अंदर ना आपको ये 12.5 इंचेस के आसपास की मिल जाती है। 10 से भी आपका डिसेंट काम निकल
जाएगा। यहाँ पर ना दो एसी वेंट्स आ जाएंगे, नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। एंड इसका इंडिकेशन यहाँ पर ही आएगा ऊपर वाली स्क्रीन के अंदर, कोई भी अलग से स्क्रीन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। और यहाँ पर इसमें रियर फॉग लाइट्स मिसिंग है, उसका स्विच आपको नहीं मिलता है। फ्रंट फॉग लाइट्स है यहाँ पे एलईडी में। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है हजार्ड लाइट का स्विच, यहाँ से आप टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। सिर्फ अनलॉक होगी बेसिकली, टेल गेट रिलीज नहीं होगा। एंड यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। टॉप एंड के अंदर क्या होगा कि आपका टेल गेट पूरा इलेक्ट्रॉनिकली ओपन ही हो जाएगा, यहाँ से कार लॉक अनलॉक कर पाओगे। और यहाँ पर एक बटन 360 व्यू के लिए, इसको प्रेस करा यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर कैमरास का डिस्प्ले। कैमरा क्वालिटी नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़िया इस बड़ी टाटा ने प्रोवाइड किया, ये आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन। इधर आपको यहाँ पर बाकी कैमराज वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड ऐसे कुछ आप इन्हें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि जूम इट जूम आउट का सब ऑप्शन मिल जाएगा। 3D व्यू भी आप यहाँ पर इसका देख पाएंगे। और यहाँ पर फ्रंट कॉर्नर्स आप देख सकते हो, ऐसे कुछ मतलब अच्छी क्वालिटी है एंड अच्छे एंगल्स आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। बाकी इसी कंट्रोल्स में आपको दिखा चुका हूँ, लेदर पैडिंग आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है। नीचे आपको टाइप ए टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं फास्ट चार्जिंग के लिए। लैपटॉप को भी आप यहाँ पर इसमें चार्ज कर पाएंगे, वायरलेस चार्जिंग पैड आएगा इसके अंदर। एंड ऐसे कुछ यहाँ पे आपको मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर इसमें डिफरेंट मोड्स हैं। जैसे अभी कार इकोनॉमी मोड पर रहा है, यहाँ से आप इसमें स्पोर्ट्स मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं। साइड पर आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ऐसे कुछ आपको फिर सुनने को मिलेगा कि स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेट हो गया। बाकी यहाँ पर आपको टेरेन मोड्स वगैरह भी इसमें मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइट भी आती है इस कार के अंदर, ये आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको मिल रही है, यहाँ पर डोर के अंदर भी आपको यहाँ लाइट मिल जाती है, मतलब अभी दिन है तो कम दिख रही है, रात के टाइम पे काफी अच्छा ग्लो है इसका। और तो ना यहाँ पर आपको सनरूफ के साइड पे पूरी एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है यार। पूरे ना मतलब रेंज वाले इफेक्ट्स आ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ से आप इसे पूरा कंट्रोल कर सकते हो, डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से आप कलर इसमें सेट कर पाएंगे, ब्लू में कर देते हैं। और यहाँ पर ना आपको मूड ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अपने मूड के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो, म्यूजिक के हिसाब से भी आप इसे यहाँ पर इसे सेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि लाइक फ्रंट की लाइट बंद हो जाए, तो ये फ्रंट की बंद हो जाएगी, रूफ की चलती रहेगी। फ्रंट की ऑन हो जाए और रूफ की ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे फ्रंट की चल रही है, रूफ की ऑफ हो गया। एंड मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ, तो ये ऑन हो गई, ठीक है। तो ये सभी एम्बिएंट लाइट के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, काफी बढ़िया लगी मेरे को इस कार की ओवरऑल एम्बिएंट लाइटिंग। टॉप एंड के अंदर आपको और भी फीचर्स वगैरह एम्बिएंट लाइट पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी ना यहाँ पर फिर आपको गियर लीवर इसका मिल जाएगा, ऐसा कुछ काफी ज्यादा प्रीमियम ओवरऑल ये लेआउट आपको देखने को मिलता है। रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पर इसमें कैमरा का डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि आता है पार्किंग सेंसर्स के साउंड के साथ, ये आप देख सकते हो कम्प्लीट सेटअप। और फिर आता है न्यूट्रल और ड्राइव, एंड साथ ही आपको यहाँ पर इसमें दिया गया पार्किंग मोड का स्विच, इसको प्रेस करा है कार चलेगी यहाँ पे पार्किंग मोड के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आएगी इस वेरिएंट के अंदर, ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ। दो बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट दिया गया आपको यहाँ पर, बेल वॉच का पावर सॉकेट है इसके अंदर, टाइप ए टाइप सी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। सॉफ्ट कुशनिंग आपको यहाँ पर पूरे आम स्पेस पे देखने को मिल जाती है। एंड ये आप देख सकते हो सीट्स कुछ इस तरह की रहने वाली है अवेले वेरियंट के अंदर। टैन कलर के इंटीरियर आ रहे हैं अवेले वेरियंट के अंदर, टॉप एंड से मेरे को ये ज्यादा ओवरऑल प्रीमियम लग रहे हैं। एंड यहाँ पर ना आपको लेदर सीट्स मिल जाती है, बट कोई भी वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, परफोरेशन जरूर से आपको यहाँ पर इन सीट्स के अंदर मिल जाती है, आप देख ही सकते हो। बाकी कुशनिंग एंड ओवरऑल कम्फर्ट आपको अच्छा मिलने वाला है इस कार की सीट्स में। अभी अभी आपको सॉफ्ट टच लेदर देखने को मिल जाएगा इस कार में। सेफ्टी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर 6 एयर बैग्स ऑफर किए जा रहे हैं। फ्रंट 2 एयर बैग्स आएंगे, साइड पर कर्टन एयर बैग्स हैं, सीट्स के साइड्स पे भी एयर बैग्स हैं। और आपको यहाँ पर इसमें ABS, LED, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल डे एंड नाइट RVM मिलेगा, इलेक्ट्रिक आपको ये नहीं इसमें दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर वेरियंट के अंदर। लाइट्स यहाँ पे LED में रहने वाली है। पैसेंजर सीट के अंदर वैनिटी मिरर है लाइट के साथ, और इस साइड पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। एंड इसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस के साथ आएगा। लाइट भी आपको यहाँ पर इसमें एक एक्स्ट्रा ऑफर की जाती है। बाकी का सेटअप तो आपने यहाँ पे कंप्लीट देख ही लिया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी बैक सीट में, दिखाता हूँ कि बैक सीट में कैसे कुछ कंफर्ट वगैरह आपको यहाँ पर इस कार में मिलने वाला है। बाकी गाइस अब आप ये देख सकते हो इस कार का रियर डोर, जो कि अगेन आपको यहाँ पे ट्रिपल फिनिशिंग के अंदर देखने को मिल जाता है, ब्लैक टैन और बेज। यहाँ पर आपको इसके अंदर सबसे पहले देखने को मिल जाती है सनशील्ड, जिनको कि आप यहाँ पे मैन्युअली लगा सकते हैं, बट फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर इसका चलान है एंड इनको आप यहाँ पे लोकल तो यूज कर नहीं सकते, बट फिर भी चलो कहीं और अगर अलाउड है तो आप आराम से यूज करो। यहाँ पे लेदर पैडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर इसमें पावर विंडो का स्विच, यहाँ पर इसमें एम्बिएंट लाइट अंदर मिल जाएगी डोर पैड के, मतलब डोर हैंडल के अंदर बेसिकली एम्बिएंट लाइट दी गई। JBL के यहाँ पर इसमें बैजिंग है कि इसके ट्विटर पे, एंड ये इंडिकेट कर दिया कि इस कार के अंदर यहाँ पर JBL साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिलती है, बॉटल होल्डर दिया गया, स्पीकर आपको मिल जाता है। बाकी डोर ओपनिंग अच्छी खासी आपको मिल जाएगी कार के अंदर, एंट्री एग्जिट करने में आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर चलते हैं कार के एंड देखते हैं कि अंदर कैसे कुछ कंफर्ट आपको मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पर मैं आ चुका हूँ
ऑल न्यू 2023 टाटा सफारी के अंदर दोनों आगे की सीट्स नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से सेट है। इसके अंदर आपके यहाँ पर इसमें बॉस स्पोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ से आप इस सीट को ऐसे कुछ आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर मेरे को लगता है। यहाँ पर लाइट्स है एलईडी के अंदर आपको जो मिल जाती है, दोनों सीट्स पर आपको ये बेसिकली मिल जाएंगी। स्पेस एंड कम्फर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं मिल रही मेरे को स्पेस के अंदर, काफ़ी अच्छा देख सकते हो आप। नी रूम है, लेग रूम है और हेड रूम भी इस कार के अंदर डिसेंट इनफ मिल जाता है। मेरी हाइट 6 फीट है फॉर रेफरेंस। बाकी यहाँ पर आपको इसमें एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, एक आपको यहाँ दिया गया है, एक इस साइड पे भी बेसिकली आपको मिलता है। दो हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, मिडल पैसेंजर के लिए नहीं मिलता है। सेंटर में आपके यहाँ पर इसमें आर्मरेस मिल जाएगा, जिसके अंदर की ना ट्विन बॉटल होल्डर्स भी आपको मिलता है, बट फिलहाल अभी ये पैक्ड है तो हम इसे ओपन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर साइड स्पेस में एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। सीट बेल्ट्स यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, आगे वाली बेसिकली हैं ये। नीचे आपको टाइप ए टाइप सी पोर्ट्स इसमें दिए गए हैं चार्ज वगैरह करने के लिए, और ऊपर यहाँ पर इसमें स्टोरेज स्पेस है। सेंटर में हम्प आपको देखने को मिल जाएगा। मैप पॉकेट्स आ रही हैं यहाँ पर इस कार के अंदर। बाकी ये था इसका कंप्लीट रियर सीट का एक्सपीरियंस, और अंदर से ना अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कार की सनरूफ। तो यहाँ से आप इसकी सनरूफ ओपन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आगे स्विच मिलता है, एक सनरूफ है तो वन टच ओपन के उस फंक्शन के साथ ही आती है। ऐसे कुछ ये सिंपली ओपन हो जाएंगे। दो ग्लास एरियाज हैं तो एक आगे वाला यहाँ पर बेसिकली पूरा ओपन हो जाएगा, एंड उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पर आपको व्यू मिलने वाला है बैक सीट में बैठ के सनरूफ का। आगे तो पता ही है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, पीछे बैठ के मैंने सोचा इस बारी पीछे सनरूफ दिखाई जाए, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है सनरूफ का आपको। बाकी सिंगल प्रेस में आप इसे बंद भी कर सकते हो, अगर आप हल्का सा लॉन्ग प्रेस करोगे तो इसका ये ब्लाइंड एरिया भी साथ ही बंद हो जाएगा, और लाइट प्रेस करोगे तो अकेला इसका ग्लास एरिया बंद होगा। बाकी अगर आप थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में जाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप ये वाली सीट कैसे कुछ टंबल फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चों के बैठने की सही जगह है, एंड छोटा सा बच्चा आके यहाँ पर बैठ गया है, तो आप देख सकते हो मतलब बच्चों के लिए अच्छी खासी जगह आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। दो छोटे बच्चे यहाँ पर आराम से बैठ पाएंगे, एडल्ट्स का बैठना थोड़ा सा टाइट टाइट रहेगा। बाकी ओवरऑल आपको एक लाइव एग्जांपल दिख पा रहा होगा कि कितनी कुछ यहाँ पे ओवरऑल स्पेस रहने वाली है। यहाँ पर ना इसके अंदर टाइप ए और टाइप सी पोर्ट्स भी दिए गए इसमें चार्ज वगैरह करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बॉटल होल्डर भी इसमें साइड पर ऑफर किया जा रहा है। और तो ना यहाँ पर आपको साइड पर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि ना एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और एसी कंट्रोल आप यहाँ पर इस कंट्रोलर की मदद से कर पाएंगे। दो हेडरेस्ट आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं, जो कि है एडजस्टेबल टाइप के, और सीट्स जो है वो यहाँ पर इसमें 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती हैं। एंड सीट्स भी मैं आपको भी फोल्ड करके दिखाऊंगा जब हम बात करेंगे इस कार के बूट के बारे में। बाकी इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर बेसिकली सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है, सिर्फ डीजल के अंदर अभी के लिए फिलहाल आपकी कार ऑफर की जाती है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर टाटा इसके अंदर टर्बो पेट्रोल भी लेकर आ जाए, लेकिन इस डीजल की अगर अभी फिलहाल बात की जाए तो यहां पर आपको इसमें मिलता है फिएट सोर्स्ड 2.0 लीटर का डीजल इंजन, जो कि ना इस कार के अंदर प्रोड्यूस करता है 170 पीएस की पावर, और साथ ही साथ निकाल कर देता है 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। प्रॉपर इंसुलेशन आपके यहाँ पर इसमें प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड ऐसा कुछ इसका कंप्लीट इंजन कंपार्टमेंट रहने वाला है। 16 के आसपास की इसकी एयर एक क्लीन माइलेज है, बाकी रियल लाइफ में आप यहाँ पर 13 तक इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी माइलेज है इस साइज के व्हीकल के लिए। बाकी अब हम चेक कर लेते हैं इस कार का बूट, तो चलो पीछे चलते हैं। एंड यहाँ पर ना आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा एक बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन, जिसको प्रेस करके आप इसका टेलगेट ओपन कर सकते हैं, एंड ऐसे कुछ ये ओपन होगा। एंड हाइड्रोलिक सिस्टम आएगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक टेलगेट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर नहीं है। टॉप एंड अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट भी देखने को मिल जाएगा। बूट की अगर बात करते हैं तो बूट स्पेस इस कार के अंदर आपको ना के बराबर ही मिलने वाली है। यहाँ पे छोटे बैग्स आप रख सकते हो, ताकि सामान रखने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको इन सीट्स को यहाँ पर इसे फोल्ड करना पड़ता है। ऐसे कुछ यहाँ पर आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, दोनों सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ ये फोल्ड होंगी, एंड कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इन्हें पूरा का पूरा फोल्ड कर सकते हैं। वो वाली सीट अभी थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो ये भी मतलब प्रॉपर ऐसे फ्लैट बेड टाइप ही बन जाता है। यहाँ पर आपको एक बूट लाइट इसमें देखने को मिल जाती है, बाकी रियर एसी वेंट्स मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुका हूँ, और ऊपर की तरफ आपको वहाँ पर एक लाइट भी देखने को मिल जाती है थर्ड रो के लिए स्पेसिफिकली, जो कि दी गई है, एंड सेकंड रो की मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वहाँ पे साइड्स पे दी गई हैं। और टूल किट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको टूल किट इसके नीचे देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हो टूल किट, एंड यहाँ पंचर रिपेयर किट भी यहाँ पर आपको बेसिकली साथ ही इसमें मिल जाती है। स्पेयर व्हील की अगर बात करते हैं तो वो यहाँ पर कार के नीचे की तरफ आपको ऑफर किया जाता है, एंड ये आपको यहाँ पर बेसिकली एक स्टील व्हील ही मिलता है। यहाँ से अब बंद कर देते हैं इसको, एंड अब बात कर लेते हैं हम इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार टाटा सफारी एडवेंचर प्लस वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 23.89 लाख रुपीज़, और ये कार आपको ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है
तकरीबन 27 लाख रुपीज़ की। आपको ये कार कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मेरे को पर्सनली कार बहुत ज़्यादा पसंद है एंड चलाने में भी कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ड्राइव रिव्यू का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और लाइट्स का रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पर, तो उसे भी जरूर से चेकआउट कर लें। एंड इस कार के सभी वेरिएंट्स का ना प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूं, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ ना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाकी कार तो बहुत बढ़िया है ही, साथ ही में आपको मैंने जो प्रोडक्ट दिखाया है जियो मोटिव वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया कनेक्टेड कार टेक आपको वहाँ पे प्रॉपर अच्छी खासी मिल जाएगी बहुत कम कॉस्ट पे, तो जरूर से उसे भी जाकर बाय करें। लिंक आपको उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही था इस वीडियो के लिए। Thank you.